शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यू पागल, मी पागल, मी पागल, यू पागल, पागल पागल। मैं आपसे मिलने आया हूँ, मगर मैं आपसे मिलने नहीं आया। मी मरुन गेला, मका गुम कर रहे साहिबा। बिहारी लाल। क्या है? आपकी बहुत तारीफ सुनी महाराज, थोड़ा कष्ट देने आया हूं। ये पत्री महाराज। हरिओम, 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 हरिओम। क्या बात है महाराज? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बताइए महाराज, ये मेरी इकलौती बेटी है महाराज। सुन सकोगे? ये साधारण कन्या की पत्री नहीं, बड़ी विचित्र कन्या है। इसका जन्म चंद्र ग्रहण के दिन हुआ था। ये 19 वर्ष की है। 19वां साल भारी, बहुत भारी है। इसका नाम अनीता है। अनीता। गोरे गोरे चांद से मुख पर, काली काली आंखें हैं। नीरज, कहाँ हो नीरज? तुम्हारे दिल में। तुम भी सिली, डैडी सुन लेंगे। डैडी घर में नहीं है। और नौकर? सबको दिवाली की बख्शीश दे के भगा दिया है। ओ, बड़े स्मार्ट हो गए हो। हमने इस इश्क में क्या सीखा है, क्या पाया है? वो तो मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम हो कहाँ? कहाँ ना, तुम्हारे दिल में। दिल में बहुत आराम कर लिया। अब जरा आंखों के सामने तो आइए जनाब। ऐसी आंखों के सामने कैसे आ सकता हूं? कैसी है ये आंखें? गोरे गोरे चांद से मुख पर, काली काली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर, काली काली जिनको नींद उड़ जाए, वो मतवाली आंखें हैं। गोरे गोरे मुंह से पल्ला क्या सर का, बादल में बिजली है। दूर ही रहना, दूर ही रहना, दूर ही रहना, इनसे कयामत ढाने वाली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर, काली काली आंखें हैं। गोरे गोरे
अंधेर है सब कुछ बेजिन के अंधेर है सब कुछ ऐसी बात है इनमें क्या आंखें 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 सब है बराबर कौन निराली आंखें हैं गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं गोरे गोरे बेदेखे आराम नहीं है बेदेखे आराम नहीं है देखे तो दिल का चैन गया देखने वाले देखने वाले यूं कहते हैं भोली भाली आंखें हैं देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आंखें हैं गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं गोरे गोरे तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों करते हो कभी चार साल में ये पूछा है कि तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ पूछने की जरूरत ही नहीं आई नो यू डोंट लव मी आई डोंट लव यू नो गोरे गोरे चांद से मुख पे काली काली आंखें हैं देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मत वाली आंखें हैं गोरे आज ही क्या दौरा पड़ रहा है ऐसे तुम पागल हो जाओगे मैडम हम तो कब के पागल हो चुके हैं तो इसका इलाज शादी तुमसे शादी की तो मेरा क्या होगा मैं ठीक हो जाऊंगा तुम पागल हो जाओगी वेरी सिंपल लेकिन आज मैं इतनी पागल नहीं हूं जो तुमसे शादी करूं तुम पागल नहीं हो हूं हाउ मच पागल वेरी मच पागल हाउ मच वेरी मच पागल वेरी मच पागल वेरी मच पागल यू पागल मी पागल मी पागल यू पागल 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 आ गए सॉरी डैडी आ गए कॉल हो जाओ आज मैं तुम्हारे डैडी से बात करके जाऊंगा लेकिन वो नहीं मानेंगे अगर वो नहीं मानेंगे तो हम दोनों चलकर सिविल मैरिज कर लेंगे नहीं नीरज सिविल मैरिज नहीं तुम साल छह महीने ठहर जाओ मैं डैडी को मना लूंगी साल छह महीने प्लीज भागो अनीता पिताजी नीरज आज फिर यहां आया था मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं मुझे उसका यहां आना पसंद नहीं और अब उसकी इतनी हिम्मत होगी वो तुम्हें मिलने रात को इस तरह चोरी छुपे आता है अनीता Thank you.
धीरज, मैंने तो पहले ही कहा था हठियों के पानी पर तो क्या जमीन पर भी नहीं चल सकता। नीरज। अरे वाह, मुझे तुमसे बात करनी है। शौक से जो बात तेरे मुंह की है मोती की लड़ी है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं अकेले में मिलना चाहती हूँ। नीरज, मुझे तुमसे जो कहना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए। बट सेमिस्ट्री, आओ मेरे साथ। मुझसे प्यार करते हो? प्यार पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने। मजाक छोड़ो अनीता, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना देखा है और वो हो तुम। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, लेकिन बात क्या है? मुझसे शादी करोगे ना? ऑफ कोर्स, लेकिन वो तो अगले साल। आज? आज अभी अभी इसी वक्त। इसी वक्त ये अचानक फैसला क्यों कर लिया? कैसे कर लिया? मुझसे कुछ न पूछो, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। चलो मेरे साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में अभी। लेकिन अनीता, पहले शादी के लिए अप्लाई करना होगा। मैंने सब अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, हम वहां अभी जा सकते हैं। अच्छी बात है। लेकिन वहां विटनेसेस की जरूरत होगी, अपने कुछ दोस्तों को ले चलो। मैं नीरज कुमार वल्ल श्री काशीनाथ, इस इकरारनामे की रूह से तुम्हारी अनीता कुमारी वल्ल सेठ बिहारी लाल को आज से अपनी कानूनी पत्नी तस्लीम करता हूँ। दस्तखत किए। मैं अनीता कुमारी वल्ल सेठ बिहारी लाल, इस इकरारनामे की रूह से श्री नीरज कुमार वल्ल श्री काशीनाथ को आज से अपना कानूनी पति तस्लीम करती हूँ। दस्तखत कीजिए। पिताजी। अनीता, अगर तुमने यहाँ दस्तखत कर दिए तो जानती हो क्या होगा? मैं बाहर अपनी मोटर में बैठा हूं, सिर्फ दो मिनट तुम्हारा इंतजार करूंगा। I'm sorry, sir. अनीता से मिलना चाहता हूँ। तुम उससे नहीं मिल सकते। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें किसी की जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम शरीफ आदमी नहीं हो, वरना एक सीधी सादी लड़की को बहकाकर उससे शादी करने की कोशिश नहीं करते। आप गलत समझ रहे हैं, हमारी शादी अनीता ही की मर्जी से हो रही थी। वो अनजाने में एक गलती कर रही थी, लेकिन अब वो गलती कभी नहीं करेगी, समझे? अब तुम जा सकते हो। मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें नौकरों से धक्के देकर निकलवा दूं, चले जाओ यहां से। गुस्सा जाने दीजिए सेठ जी, अगर आप अनीता से ही मिलना चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज हो सकता है? वो ऊपर अपने कमरे में है, मैं अभी टेलीफोन पर बात करा देता हूं। आपका नाम? नीरज। हेलो अनीता। देखिए मिस्टर नीरज आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो अनीता, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं मिल सकती, अब कभी नहीं मिल सकूंगी। 5 मिनट के लिए। अनीता, अनीता क्या बात है, ये सब क्यों? अभी तो तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और अभी? वो सब गलत था,
मुझे भूल जा। अनीता, अगर तुम नीचे नहीं आओगी तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ और तुम अमीर, बहुत अमीर। आपकी तारीफ, मुझे अनिल शर्मा कहते हैं। मिस्टर अनिल शर्मा यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कई मिले हैं, फैक्ट्रियां हैं इनकी, और बहुत जल्दी इनकी सगाई अनीता के साथ होने वाली है। अब समझे? अब तुम जा सकते। नीरज, ये क्या पागलपन है यार, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। आओ भाई रुमानी, तुम ही समझाओ, तुम ही समझाओ, डिजाइन कर लेते। मैं तो सारी रात समझाता रहा, लेकिन भाई ये क्या आउट फोकस है। माय डियर मजनू, दिस इज 1967। सदी में कोई गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वन मिनट प्लीज। यस सर। आखिर ये क्या पागलपन है नीरज, तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे? मजबूरी है जान सर। अगर मुझे तुम्हारे सर्कमस्टांसेस मालूम ना होते तो शायद मैं तुम्हारा ये रेजिग्नेशन कबूल कर लेता, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, इसलिए ये वापस ले लो। आई एम सॉरी जैन साहब, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकता। देखो नीरज, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, इसमें तुम्हारी लाइफ का सवाल है। अभी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारे एम्बिशंस हैं। मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। तो फिर इसके लिए नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिल्ली ट्रांसफर कर सकता हूँ। ट्रांसफर? मैं आज ही ऑर्डर भिजवा देता हूँ। अच्छा भाई, दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली को हमारा सलाम कहना। ओके नीरज, ऑल द बेस्ट, हेल्प का ख्याल रखना। हाँ यार, खतवा लिखते रहना। मुबारक हो सेठ। बधाई हो सेठ जी। वाकई सेठ जी, कमाल का लड़का आपने पसंद किया। सेठ जी, क्या हुआ अनीता को, नीचे क्यों नहीं आती वो? अनीता, फिर हुई अनीता, अनीता बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ है? चली गई। क्या बात करती है, कहाँ चली गई अनीता? पिताजी, मैं जा रही हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे ढूंढने की कोशिश न कीजिएगा। अनीता, अनी, अनीता चली गई। अनीता चली गई? हाँ। हेलो, मैं बिहारी लाल बोल रहा हूँ, 21 अल्ट्रा माउंट रोड। मेरी लड़की अनीता घर से भाग गई है जी, अभी अभी उसके हाथ का लिखा हुआ एक नोट मिला है हमें। उम्र 19 साल, रंग गोरा, कद 5'6", नाम अनीता। नीरज, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी जान और इज्जत खतरे में है, तुम फौरन बंबई चले आओ। अनीता, प्लीज गिव मी आईएसी बुकिंग।
हाँ मिस्त्री। तुम्हें किसने खबर दी? कैसी खबर? तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? किसका? अनीता के बारे में। उसी ने तो खत लिख के मुझे बुलाया। रुमानी, क्या बात है यार, चुप क्यों हो गए? नीरज तुम देर से आए, अनीता इस दुनिया में नहीं रही। रुमानी! हाँ नीरज, ये झूठ है, झूठ है ये। मैंने सुना था तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन अखबार पढ़ा तो मालूम पड़ा ये सच। इंस्पेक्टर से मिला था, उसने क्या कहा? उसने बताया एक दिन अनीता घर से गायब हो गई, पुलिस ने उसकी तलाश की, अनीता तो न मिली लेकिन उसकी लाश मिली। उसकी लाश का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उसके पिता को दे दी गई। समझ में नहीं आता अनीता ने ऐसा क्यों किया, ये आत्महत्या क्यों की? ये सब कैसे हो गया? आखिर अनीता ने आत्महत्या क्यों की? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं सेठ जी, अपनी इकलौती बेटी की मौत से आपको कितना दुख पहुंचा होगा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता। कुछ दिन पहले मुझे अनीता का एक खत मिला था। अनीता का खत? उसने लिखा था कि फौरन आकर मुझे बचा लो। उसने ये भी लिखा था कि उसकी जिंदगी, उसकी इज्जत खतरे में है। सेठ जी, अनीता ने आत्महत्या क्यों की? बाप को अगर बेटी के दुखों का पता होता तो आत्महत्या की नौबत ही क्यों आती? बहुत जल्दी उसकी शादी होने वाली थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये आत्महत्या शादी की? शादी उसकी मर्जी से हुई थी, रजामंदी से। तो फिर उसने आत्महत्या क्यों की? अनीता पागल तो थी नहीं? मुझे तो शक सा होता है। शक? मेरा मतलब है तो था जो अनीता ने आत्महत्या की। कुछ नहीं था। आप जानते नहीं है, मुझे बताना नहीं चाहते। समझ लो, बताना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मैं सुनना चाहता हूं। तो सुनो, मरने से पहले अनीता मां बनने वाली थी। अंधेर है सब कुछ, बेजिन के अंधेर है सब कुछ, ऐसी बात है इनमें क्या? आंखें 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 सब है बराबर, काबिल नहीं हो कि उसकी तस्वीर को हाथ लगा सको। क्या मतलब? मतलब यह कि अनीता ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून किया गया है जिसके जिम्मेदार हो तुम। तुम पागल हो गया नीरज, अनीता की मौत ने तुम्हें पागल बना दिया है। जरा सोचो तो, अगर मैंने अनीता से ज्यादती की होती
तो मैं उसे ठुकराता क्यों? उसे तो मेरी शादी होने वाली थी जिसमें कोई रुकावट नहीं थी। नहीं नीरज, अनीता की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, कोई और है, कोई और। और कौन? ऐसा आदमी जिसे अनीता के इश्क में नाकामी मिली हो, जो अनीता को पा नहीं सका और हसरत की आग में जलकर उस मासूम से ऐसा बदला लिया कि उसने खुदकशी कर ली। कोई ऐसा आदमी जैसे कि तुम। जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था तो मुझे भी इतना गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम अनीता के प्यार में पागल हो गए हो। मैंने भी अनीता से मोहब्बत की है, और मोहब्बत करने वाले किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करते। फिर ये सब कैसे हुआ? अनीता कोई आवारा लड़की तो नहीं थी? जिस अनीता को हम जानते हैं वो आवारा नहीं थी, लेकिन दूसरी अनीता। दूसरी कौन? अनीता एक अजीब लड़की थी, उसके कई रूप कई रंग थे। कई रूप कई रंग? हाँ, सुनी सुनाई बातों पर मुझे भी यकीन नहीं आता, मगर मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा। नीरज, आज मैं तुम्हें एक अजीब वाक्या सुनाता हूँ। एक बार हम सब शिमला गए थे, वहां पर एक फैंसी ड्रेस बॉल थी। मजा तो आपके आने से आया है। हेलो सर जी। जय हो, जय हो। ये क्या रूप धारण किया है आपने? आप अपनी हिस्ट्री भूल गए? भूल तो गए। सम्राट चंद्रगुप्त। ओ महाराज की जय हो। और आप? मैं उनकी रानी। इस लिबास में? अच्छी लिबास में बात तो छोड़िए, मैं तो इनकी जन्म जन्म की रानी हूँ। बहुत अच्छी, ये हुई ना अपनी रोमांस की बात। अनीता नजर नहीं आती? बस आती होगी। ओ किरण, तुमने तो जान निकाल दी हमारी। तुमने आज अनीता को देखा? देखा तो था, मगर अजीब सी लग रही थी। ये नागा है, ये पुलिस को पकड़ के दोगे? आई को और ये चंगा जा को दे। तो वेजिटेरियन सिंह है, दोस्त नागा है। अनीता मैम साहब। क्या हुआ? अनीता मैम साहब नाच रही हैं। कहाँ नाच रही? पीछे खाना बदोश होकर। क्या खाते हो? चलकर देख लीजिए। अजो रामा नाच रही।
जी चंदा जी की बिंदिया। रात की दुल्हन के माथे चंदा जी की बिंदिया, चंदा जी की बिंदिया, बड़ी बड़ी अखियों में थोड़ी थोड़ी नींदिया, बड़ी बड़ी अखियों में थोड़ी थोड़ी नींदिया, शोर मचा देगी पायल कमजोर, हाय ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े पुट्ठा खासा, पिछवाड़े बुढ़ा खासा, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खासा, कैसे करूं प्रेम की मैं बात, कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ओए ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खासा, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खासा। अनीता तुम्हें क्या हो गया? अनीता कौन? अनीता होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया? तुम यहाँ कैसी आई? अनीता क्या हो गया? क्या हो गया? अजीब लड़की थी, जाने कहाँ से आई? इसे हमारा गाना कैसे मालूम हुआ? और कपड़े बिल्कुल अपने जैसे पहने थे। बराए मेहरबानी आप लोग जरा हट जाइए, हवा आगे बढ़ जाइए। मेरा ख्याल है कि ये एक स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस है। स्प्लिट पर्सनैलिटी? जी हाँ, ये एक अजीब दिमागी बीमारी का नाम है। जब इसका दौरा पड़ता है तो इंसान अपने आप को भूल जाता है, वो जिस हाल में होता है उसी में रंग जाता है। आप यूं समझिए कि अगर उसने भिखारी के कपड़े पहने हैं तो अपने आप को भिखारी समझता है, और अगर राजा के कपड़े पहने हुए हैं तो अपने आप को राजा समझता है। आज जब इस लड़की ने खाना बदोशों का लिबास पहना तो वो अपने असली रूप को बिल्कुल भूल गई। इसने खुद को खाना बदोश समझ लिया और उनके डेरे पर पहुंच गए। अपना पुनर्जन्म भी तो ले लिया डॉक्टर साहब। हो सकता है ये लड़की पिछले जन्म में जरूर खाना बदोश रही होगी, और ये कपड़े पहनते ही इसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई, और ये उन लोगों में जाता। आज मुझे ख्याल आता है, जाने अनीता ने कब किस वक्त कौन सा लिबास पहनकर क्या रूप इख्तियार किया। न जाने कौन था वो जिसने अनीता के उस आलम का नाजायज फायदा उठाया होगा। अरसे के बाद उसे एहसास हुआ होगा कि वो मां बनने वाली है, तो उसने खुदकशी कर ली। कैसे यकीन कर लो? मैंने अनीता को बहुत करीब से देखा है, मैंने कभी भी ऐसी कोई बात महसूस नहीं की। मेरे साथ आओ। जिस अनीता को हम जानते हैं वो अनीता ऐसी तस्वीर बनवाने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती, मगर ये तस्वीर अनीता की है। उसे पूछने पर पता चला कि वो इस तस्वीर से बिल्कुल अनजान और बेखबर है। उसे ये भी नहीं मालूम ये तस्वीर किसने बनाई। पेंटर का नाम और पता? वो मेरी डायरी में लिखा है, आओ मेरे साथ। Thank you.
गेट आउट। मैं आपसे मिलने आया हूँ। मगर मैं आपसे मिलने नहीं आया। आउट। मुझे मुझे आपसे जरूरी काम है। कौन हो तुम? क्या हो है? क्यों हो तुम? ये बस एक इंसान है, इसलिए तो कह रहा हूँ गेट आउट। मुझे किसी इंसान से नहीं मिलना। आउट। तो हैवान समझ लीजिए। गुड। उठाओ मुझे। बहुत लंबे हैवान है, बैठ जाओ। थैंक यू। हैवान असल होते हैं, इंसान सब नकल होते हैं। जो आता मक्खियां लेकर आता है। मॉडर्न आर्ट समझते हो? जी नहीं। मैं भी नहीं समझता। मैं यहां भी मक्खियां ही मारता हूं, मगर लोग आर्ट समझ लेते हैं। जानते हो क्या तस्वीर है? जी मुझे तो इसका सर पैर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सर पैर हो तो समझ आए, फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूं। ये एक गाय घास खा रही है। अगर घास कहाँ है? गाय खा गई। लेकिन गाय भी तो नहीं। अरे खाकर चली गई। तुम मॉडर्न आर्ट नहीं समझ। यू आर राइट सर। ये तस्वीर देखते हो? जी। ये हुस्न और जवानी का मुजस्मा, क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा? मगर दिखाई तो कुछ भी नहीं देता। रात को अंधेरे में बनाएगी। मैं आपके पास एक काम के लिए आया हूँ। आज संडे, मैं संडे को बातचीत नहीं करता। लेकिन अभी तो आप बातें कर रहे थे। तो मंडे होगा, बोलो। आप अनीता को जानते हैं? खूब जानता हूँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ। अनीता ऐसी लड़की है कि कोई एक दफा देख ले तमाम उम्र याद रखे। उठाओ मुझे। कमाल की औरत, कमाल की जलील और आवारा। क्या कह रहे हैं आप? तुमने सिर्फ तस्वीर देखी, मैंने लड़की। तस्वीर आर्ट है, लड़की आवारा। आपको गलतफहमी है, किसी शरीफ लड़की के बारे में आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। शायद आप नहीं जानते, अनीता मर चुकी है, उसने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी? वेरी गुड, मर गई। अरे भाई शुक्र करो, वरना कहीं और मर जाते, सैकड़ों दीवाने हो जाते। बोलो तुम्हें क्या तकलीफ? अनीता मरने से पहले मां बनने वाली थी। कुदरती बात है, औरत ही मां बनती है। अनीता औरत थी, वही मां बनेगी, मैं थोड़ा बनूंगा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो नीच इंसान कौन था जिसने अनीता के साथ ज्यादती की, उसे खुदकुशी पे मजबूर किया। अरे भाई कोई भी हो सकता है, उसके कई रंग थे। तुमने किसी रंग में देखा होगा, मैंने किसी रंग। आपने उसे किस रंग में देखा था? असल रंग। मैं एक दफा हांगकांग जा रहा था। फिर
सूरत है। कहाँ जा रही है? जहां ले चलो। इम्पॉसिबल। देखो अनीता बिल्कुल वो थी जो मैंने कहा। मेरी एक बात मानो, भूल जाओ जैसे मैं भूल चुका हूं। यह खूबसूरत औरत याद रखने के काबिल होती है, यह खूबसूरत बला नहीं। नहीं, वो बला नहीं थी। तो मेरी दूसरी बात मानो, चला मिस्टर नीरज, आपने अनीता के बारे में जो बातें अब बताई वो हम पहले से जानते हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। मिस्टर नीरज, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने ये केस क्लोज कर दिया। थैंक यू। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इन सब बातों को बिल्कुल भूल जाइए। कुछ नहीं, पुलिस ने केस क्लोज कर दिया है। वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले कहा था, पुलिस को अनीता की पर्सनल लाइफ से कोई वास्ता ही नहीं। हाँ, एक और रास्ता है। यहाँ का एक मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव मेरा दोस्त है,
हम ही केस उसे दे सकते, वो अनीता की जिंदगी की एक एक बात निकाल सकते। आओ चले चले। ऑफिस काम चालू करो। ओके कस्टमर आ गया। यस, आने दो बकरे को, आने दो सांस को। बाबू बाहर कौन है? Yes, निकाह दावर से हुजूर। Oh, I see. Yes. Yes, speaking. दावर से हुजूर। Hello, रुमाली। Yes, yes, yes. This will be done. Yes. अरे, चलो ये बता, तू अंग्रेज कब से बन गया? आपकी तारीफ। आप मेरे दोस्त मिस्टर नीरज हैं और मेरे नाम का बोर्ड तो बाहर आपने पढ़ लिया होगा। वैसे मेरा जासूसी नाम है राजदान और मुझे रोशनदान कहते हैं। इनका एक बहुत जरूरी केस, केस नंबर 9534। ओ क्या डिस्टर्बेंस है, ऑफिस है या मच्छी बाजार, बंद कर दो सब। बोलो क्या केस है? चोरी, डाका, मर्डर, बैंक रॉबरी, लव अफेयर्स, अगवा? जी नहीं, सुसाइड केस। ओह, सुसाइड के तो हम स्पेशलिस्ट है। बोलो आप में से कौन सुसाइड करना चाहता है? चाचा रंगरूट करना नहीं चाहता, हो चुकी है। वेरी गुड, फिर तो बिल्कुल सिंपल केस है। आपने अनीता सुसाइड केस के बारे में कुछ सुना? अनीता सुसाइड केस? आप कोका कोला पियेंगे? अनीता केस, अनीता सुसाइड केस। सर मैं ये केस आपको देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। आप बेफिक्र रहिए, आपके सुसाइड से अनीता के जन्म तक का पूरा चार्ट हम आपको बना के देंगे। नहीं नहीं, अनीता के जन्म से अनीता के सुसाइड तक का पूरा चार्ट हम आपको बना के देंगे। आप हमें डिटेल दीजिए। नोट कर लीजिए। लिखाइए। हाँ हाँ, वो आवारा थी, बदचलन थी, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसने किन हालात में आत्महत्या की। तुम जानते हो कि वो मर चुकी है और उसके साथ ही उसकी सब बुराइयां जा चुकी है। उसने अपने माथे पर जो कलंक लगाया था अपनी मौत से धो डाला है, लेकिन तुम्हें फिर भी चैन नहीं। अनीता मर चुकी है। जब वो जिंदा थी तुम उसके पीछे पड़े हुए थे, अब वो मर चुकी फिर भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ते। तुम दुनिया वालों के सामने उसकी बुराइयों को उभारना चाहते हो, उसकी मौत पर कीचड़ उछालना चाहते हो। मैं कहता हूं वो जलील नहीं, तुम जलील हो। मैं कहता हूं आखिर तुम उससे किस बात का बदला लेना चाहते हो? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कौन से जन्म का बदला लेना चाहते दिल का चैन गया। दे
देखने वाले मतलब है ऑफिस और घर इसके बीच में वो कहीं गुम हो गया। ओह नो नो मिस्टर यू आर रॉन्ग। हम ऑफिस और घर का भी सब ढूंढा पर उसे किधर भी पता नहीं है। किधर भी पता नहीं? यस। वो ऑफिस के अलावा और कहाँ कहाँ जाया करता है? सम फ्रेंड लोग बट फ्रेंड लोग क्या गया टेलीफोन किया पुलिस थाना गया अस्पताल गया नो चांस कोई नो चांस। उसका कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? ओह नो नो नेवर व्हाट यू टॉकिंग। वो हमको बहुत प्यार करता है। आपका तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं? आइडिया मैडम आप जरा खड़ी हो जाइए। आपकी फिगर देखनी। माय फिगर? आपकी हाइट? हाइट 6 feet half inch। आपका मेजरमेंट? मेजरमेंट फर्स्ट 51। मैडम यस
सेकंड आइडिया। व्हाट? आपके हस्बैंड की हाइट? ओह वेरी सिंपल, 4 feet। मैडम आपका हस्बैंड गुम नहीं हुआ, वो भाग गया। What nonsense? हम बोलता है हमारा हस्बैंड मिलने को मांगता है। तुम्हारा फीस कितना होगा? वेरी सिंपल, 100 rupees पर फुट, 4 फुट का 400 रुपए और क्वार्टर इंच का 25 यानी 425, उसमें से 5 रुपए आपको कंसेशन, 20 रुपए हस्बैंड मिलने के बाद और 400 रुपए एडवांस अभी दे दीजिए। ओ आई सी, देगा यारे मेरी। हेलो मिस्टर नीरज, तशरीफ रखिए। मैंने अनीता को देखा। अनीता को? वेरी गुड। अनीता? जी जी पॉइंट पर, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, उसने भी मुझे देखा, लेकिन भाग गई। फिर मैं चाहता हूँ कि आप उस मकान पर जाकर पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें कि वो मकान किसका है, वहाँ कौन कौन रहता है और अनीता का उस मकान से क्या ताल्लुक था या ताल्लुक है। उसका एड्रेस नोट कीजिए। नोट कीजिए। जी जी पॉइंट। हैरानी की बात है गुरुजी, इतना बड़ा बंगला है लेकिन कोई प्राणी यहाँ पर दिखलाई नहीं देता, फिर वो हंसी किसकी थी? जय हो महाराज, जय हो, जय हो भगत जी, जय हो। महाराज ये स्थान किसका है? आपको पूछने की क्या जरूरत है? इसलिए कि अगर ये स्थान खाली हो तो हम 2-4 दिन अपना डेरा यहाँ लगा दें। नहीं महाराज, आपका डेरा यहाँ पर नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 प्राणी रहते हैं। 3 कौन? एक तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी? कन्या देखने में कैसी लगती है? लंबी लंबी, गोरी गोरी, पतली पतली। और कौन रहता है? और रहते हैं तुम्हारे दो बाप। दो बाप? गुरुजी मेरा तो एक ही बाप है, दूसरा मेरा होगा। वो दर्शन कब देते हैं? वो देते हैं रात को 12 बजे। 12 बजे? भक्तराज उनके आने का समय हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया है। ये रात के 12 बजे क्यों आते हैं? क्योंकि ये भूतिया महल है। भूतिया महल? यहाँ कौन रहते हैं? भूत? एक नहीं बल्कि 3-3 भूत रहते हैं। डरते क्यों हो? गुरुदेव आप भी डरिए, नहीं तो दोनों मारे जाएंगे। चुप रहो, मेरे चेले होकर भूतों से डरते हो? मैंने बहुत बड़े बड़े भूतों को सीधा किया है, उल्टा किया है, और बहुत बड़े बड़े भूत मैंने देखे। क्या हुआ गुरुदेव, ये आपकी साउंड को क्या हो गया? ये पहला भूत है, दर्शन कर लो। एक तो गया, अब दूसरा कौन? भूतनी आएगी। भूतनी? तीसरा भूत कौन है?
अब तीसरा भूत मैं ही था। जब तक हम उस बंगले के अंदर नहीं जाएंगे, नीरज को कैसे बताएंगे वो बंगला किसका है? उस बंगले का नाम मत लो, जिसके बाहर तीन तीन भूत हैं, अंदर क्या क्या होगा? आइडिया, बली। बली क्या? जो भूतों को अर्पण की जाती है, उसके बाद भूत खुश होकर जगह छोड़ के चला जाता है। ये बली चीज क्या होती है? कोई जिंदा चीज, जैसे मुर्गी मुर्गा, बिल्ली बिल्ला, बकरी बकरा। बस बकरा बकरा। नो मिस्टर बेकर, जोसेफ बेकर। ओह यस यस, कम इन मिस्टर बकरा। ओह नॉनसेंस, आई एम नॉट बकरा, आई एम बेकर, जोसेफ बेकर। गुड मॉर्निंग मिस्टर बेकर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हस्बैंड को ढूंढने का कितना पैसा लेंगे रे? 600 रुपया। और हस्बैंड को गुम करने का कितना पैसा होंगे रे? गुम करने का? बॉस ऐसा केस तो आज तक आया ही नहीं। ऐसा केस है? अपुन ने चाहिए वो हस्बैंड, अपुन को गुम करो, अपुन के वाइफ से अपुन को गुम करो ना रे। इधर है हमारा हस्बैंड। मेलो रे, ए मेलो, मकलपो रे, मिस्टर मकलपो, मकलपो। जैसा अंदर का लोग पागल है, वैसे चपरासी भी पागल रखा है। ओह माय गॉड, एक हफ्ता हो गया ये इडियट लोग, पता नहीं लग रहा। नाउ वेयर इज माय हस्बैंड? मैडम इधर नहीं है। यस इडियट, ये तो हम भी जानते हैं कि वो इधर नहीं है। तुम दोनों पक्का 420 है। हम पूछता है वो किधर है? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? स्टैचू है मैडम। स्टैचू, व्हाट हैपेंड टू हिम? जरा इसका स्क्रू ढीला हो गया था। जरा स्क्रू, हम बोलता है तुम सब लोग का स्क्रू ढीला है। इधर खाली पीली काय कुछ टूटेला माल इधर रखता है। नो इम्पॉसिबल। नाउ लिसन टू मी मिस्टर, कल 6 बजे तक हमारा हस्बैंड इधर नहीं मिला तो हम तुमको हमको नहीं पुलिस में देगा। पुलिस में? यस यस, ऑल राइट, हम समझा। व्हाट हैपन? कौन छीका तुम? आवाज इधर से आया? मैडम यहाँ सब ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। हाय गुडनेस, इम्पॉसिबल। डोंट वरी मिस्टर बकरा, आज रात को सब ठीक हो जाएगा। बली को ले जाएंगे, उसके बाद हम दोनों जाके पकान का सर्च लेंगे। समझा था हम मौके से कुछ समझा नहीं, पर हम सब समझ गए। तुम इधर बकरा बनने को आए? अभी हम घर ले जाके तेरे को मुर्गा बना। डिटेक्टिव, हम उनको बचो। अपुन मेला रे, अपुन मेला। बली मिल गई। बस बली मिल गई। दूसरी बली लाओ। आपको बुला रहा है, मैं चलता हूं। तीसरी बली भी चाहिए। तीसरी बली की भी जरूरत है। तीसरी बली? हाँ।
बैठो रुमानी। कुछ मालूम पड़ा? रुमानी हमारा फैसला है कि इस बंगले से अनीता का कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब? मतलब सीधा है कि अनीता ने सुसाइड कर लिया था और उसके प्यार में पागल होकर नीरज को लगा होगा उसने अनीता को देखा था, जैसे मजनू को हर जगह लैला दिखाई देती थी वैसे ही नीरज को हर तरफ अनीता दिखलाई देती। You're absolutely right. लेकिन आज नहीं आ सकते हम। हाँ नीरज एकदम फर्स्ट क्लास। जानते हो मेलनकोलिया क्या बीमारी होती है? ये एक ऐसी बीमारी है जो गम और उदासी की इंतहा की वजह से होती है। भले ही जिस्म पर कोई असर न हो लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, अपने आप पर काबू, अपने दिल पर काबू और अपने होशो हवास पर काबू। देखो नीरज, अनीता मर चुकी है और जो मर जाते हैं उनके पीछे भागा नहीं जाता, उसे भूल जाओ। ये गोली खा लेना, नींद आ जाएगी। गुड बॉय। थैंक यू डॉक्टर साहब। नीरज दिल की बात तो तुमने हमेशा मानी, एक बार यारों की भी तो बात मान कर देखो। बोलो। तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ, तुम्हारी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। रुमानी बात यह है कि बोलना बंद। मैंने भैया को तार कर दिया, स्टेशन से टिकट ले आया हूँ। कल क्या होगा पता है? सुबह क्या होगा? 9:15 की गाड़ी से मिस्टर नीरज। हेलो पाल। हेलो नीरज, कैसा रहा यह सफर? काठगोदाम से लेकर यहाँ नैनीताल तक रास्ते में इतने मोड़, इतने चक्कर, अब भी ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ घूम रहा है। दो चार दिन यहाँ खुद घूम लोगे तो सब चक्कर खत्म हो जाएगा। वाह वाह भाभी, आप तो कमाल की शायरा है। अजी साहब, अभी आपने क्या सुना है? इनसे पहुंची सुनिए। पहुंची? पहुंची नहीं, सजन के पैर की पहुंची। वाह क्या ख्याल है। अर्ज किया है, सजन के पैर की पहुंची, रखी थी ताक में पहुंची। भाभी ये ताक साफ कर लिया था। देखो भाई,
सीरियसली सुनना है तो सुनो, नहीं तो शायरी वारी सब बंद। अजी बिल्कुल सीरियस, आप सुनाइए तो। सजन के पैर की पौंची रखी थी ताक में पौंची, न वो पहुंचे न मैं पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची, सजन के पैर की पहुंची मेरे पहुंचे में आ पहुंची। वाह 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 वाह। अब क्या हुआ, ये आपने तारीफ की है या पत्थर मारा है? पत्थर पत्थर पत्थर। ओह नो प्लीज, शेर याद आ गया। प्लीज बहुत बोर किया है शेर ने। अर्ज करता हूँ, संग दिल, संग दिल के संग, संग दिल के घर गया, संग दिल ने संग मारा, संग दिल मर गया। कौन मर गया, कैसे मर गया, क्यों मर गया, आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा? एक बार फिर कही, एक बार फिर कही। जगह कहता था ना कितनी रात मिल रही है। जी हाँ। अर्ज करता हूँ जी, संग दिल, संग दिल के संग, संग दिल के घर गया, गया, संग दिल ने संग मारा, मारा, संग दिल मर गया। वाह वाह क्या बात है। एक बात मैं बताऊं, अगर थोड़ी देर मुझे और लंच ना मिला तो यूं समझ लीजिए कि बंदा भी संग दिल के संग गया। अजी जनाब, लंच बॉक्स तो आप ही के पास है, शुरू कीजिए। मैं देखूं जिस और सखी
कौन हैं आप? एक जोगन। जोगी जोगनों का कोई नाम नहीं होता। आप क्या बात है? वही आवाज, वही चेहरा, वही रूप। कैसा रूप? उसका रूप आप बिल्कुल वही लगती है। कौन? अनीता। अनीता? कहाँ है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगा। क्या मेरी शक्ल उस लड़की से बहुत मिलती है? बहुत नहीं, बिल्कुल मिलती है। पर सिर्फ इतना है कि उसकी आंखें काली थी, आपकी नीली। आप कहाँ रहती हैं? जोगी जोगनों का कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ कल वहाँ। मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ? मुझसे? हाँ। क्यों मिलना चाहते हो? इसलिए कि आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी अनीता से मिलती जुलती है। अपना ही सुख चैन गवा रहे हो, उसे भूल जाओ। देखिए, आप एक जोगन हैं और मैं सिर्फ इंसान हूं। आप क्या जाने दुखी दिल क्या होता है। आरती का समय हो गया है, मैं चलती हूं। मैं आपसे फिर मिलना चाहता हूं। आपके दर्शन करके शायद मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए, जीने का सहारा मिल जाए। जीवन मनुष्य के सहारे नहीं, किसी और के सहारे चलता है। फिर भी मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, मैं हर रोज यहां आती हूं। अगर आज तुम जिंदा होती और उस जोगन को देखती तो तुम भी हैरान रह जाती। वर्षा, तुम रो रही हो? वो देखिए, कोई किसी से कितना प्यार कर सकता है। बहुत धन्यवाद जो आप मेरे लिए यहाँ आई। मैं तो हर रोज यहाँ आती हूँ। कितनी अजीब जगह है, कितनी शांति है यहाँ। शांति बाहर के संसार में नहीं, मन में होती है। हाँ, ठीक कहती हैं आप। अगर मन में शांति ना हो तो इंसान हर जगह भटकता है, हर पल भटकता है, जैसे मैं भटक रहा था। क्या आप भटकना खत्म हो गया? हाँ, जब से आप मिली, आपकी बातें सुनी, मुझे अंधेरे में रोशनी दिखाई दी है। ये भूल है, ये रोशनी और भी अंधेरे में ले जाएगी। कैसे? मेरे रूप में एक ऐसी लड़की देखना चाहते हो जिसका संसार से कोई नाता नहीं, जो मर चुकी हो। नहीं, वो दुनिया के लिए मर चुकी है, मेरे लिए जिंदा है। स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहे हो जिसे कभी नहीं पा सकोगे। मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्यार पूजा नहीं, तपस्या है, और तपस्या कभी भंग नहीं होती। नाम क्या है? नीरज।
अच्छा नाम है। आज तो अपना नाम बता दीजिए। माया, जोगन माया। पीछे क्यों आ रहे हो? मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं आपके संसार में। तुम समझते हो मेरे संसार में आकर तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन नहीं। जब तुम्हें मेरी दूरी का पता चलेगा तुम और अशांत हो जाओगे और दुखी हो जाओगे, जिससे मुझे भी दुख होगा, क्योंकि तुम्हारे दुख का कारण मैं ही होंगी। आज से ये पेड़ हमारे लिए आखिरी सीमा है। तुम्हारा संसार उस ओर है, मेरा संसार इस ओर है। मैं अगर चाहूं तो इस रेखा को पार करके तुम्हारे संसार में आ सकती हूं, लेकिन तुम इस रेखा को पार करने की कोशिश न करना। नीरज आज अभी तक नहीं आ रहा। पता नहीं उसे क्या हो गया है, कुछ अलग अलग सा ही रहता है। वर्षा, मुझे शक है कहीं वनिता की याद में फिर से न खो गया हो। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सावन के दिन आए बीती यादें लाए, कौन झुका कर आंखें मुझको पास बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता,
पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। सागर हाय चारों तरफ लहराए, जितना आगे जाऊं गहरा होता जाए, गम के भंवर में क्या क्या डूबा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, आए पूछो मेरे दिल से। किस्मत पे रोया, पूछो मेरे दिल से, आए पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, आए पूछो मेरे दिल से। क्या हो रहा है कि संसार से तू मुंह मोड़कर यहाँ आई, फिर उधर ही को तेरा मन जा रहा है। किसी के दुख से तुझे क्या, तेरे संसार में सुख है न दुख। तेरा जीवन मोह माया का नहीं, त्याग का है, त्याग का। नीरज कहाँ है? क्यों, अपने कमरे में नहीं? जी नहीं, मालूम होता है रात भर नहीं आया। रात भर? जी हाँ, उसका बिस्तर वैसा का वैसा ही पड़ा है। बड़ी हैरत की बात है, हमें फौरन उसका पता चलाना चाहिए। आओ चलो। क्या बात है नीरज, यहाँ क्यों बैठे हो? रात को घर क्यों नहीं आए? नीरज तुम्हें क्या हो गया है? वो नहीं आई। कौन? जोगन। जोगन? भाभी उस जोगन की शक्ल बिल्कुल अनीता से मिलती जुलती थी, वही रूह वही शक्ल बिल्कुल वही, वो पहाड़ी के उस पार रहती है। देखो नीरज, मान लिया कि तुम किसी जोगन से जरूर मिले, लेकिन पहले की तरह इस जोगन को भी अनीता समझ बैठे। नहीं पार, इस बार ही मेरा वहम नहीं। मैं उससे मिला, मैंने उसे देखा, उसका गीत सुना, उससे बात की, एक बार नहीं कई बार की। ना ना, मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, हम कहां रोकते हैं, हमें उस जोगन से मिलवा दो, फिर सब खत्म। नहीं तो तुम्हें घर चलना होगा। ठीक
ठीक है, आइए मेरे साथ। आओ लक्ष्मी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। महाराज, वो जोगन कहाँ रहती है? जोगन? कौन जोगन? वो जो यहाँ रहती है। यहाँ कोई जोगन नहीं रहती। महाराज, उसका नाम माया जोगन है। माया? माया जोगन? उससे तुम्हारा क्या काम? मैं उससे मिलना चाहता हूँ महाराज। आओ मेरे साथ। राधे श्याम राधे श्याम, ये देखो। उसे मरे हुए 20-25 साल हो गए। तुम जाओ। आपका क्या ख्याल है, नीरज किसी जोगन से मिला था? मालूम होता है उसकी तरह तुम भी पागल हो गई हो। उसे कोई जोगन ओगन नहीं मिली, ये सब उसका वहम था। अगर वहम था तो एक बात बताइए, जो जोगन 20 साल पहले मर चुकी थी वो उसे कैसे जान सकता था? उसने उस जोगन का नाम बताया, शक्ल सूरत बताई, आखिर कैसे? मैं क्या कह सकता? मैं बताती हूँ, जो जोगन 20 साल पहले मरी थी उसने अनीता के रूप में जन्म लिया होगा, और जो जोगन नीरज को मिली थी वो अनीता की आत्मा होगी। ये सब पुनर्जन्म के चक्कर हैं। मैं पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं मानता। तो फिर उस जोगन की बात का आपके पास क्या जवाब है? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि नीरज का अब यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं कल ही उसे बंबई भेज रहा हूँ। आपकी तारीफ, ऐसे मुझे पूछने का कोई हक नहीं, लेकिन आपने ये जो पायल छुपाली, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप वही हैं या नहीं। घबराइए मत, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप नहीं जा सकती। आज तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी हो, लेकिन उस दिन तुम्हारी लाश पानी में मिली, फिर मैंने तुम्हें वहीं देखा जहां तुमने आत्महत्या की थी, लेकिन तुम मुझे देखते ही गायब हो गई।
मैंने वहां तुम्हारे कदमों के निशान देखे, तुम्हारी पायल के घुंघरू देखे, और फिर तुम मुझे जोगन माया के भेष में मिली। जोगन माया जो 20 वर्ष पहले मर चुकी थी, और आज मैं तुम्हें इस नए भेष में देख रहा हूं। बताओ बताओ कौन है तुम? बताओ बताओ कौन कौन हो तुम? मुझे जानने की कोशिश मत कर, मैं इस दुनिया की हूं ना उस दुनिया की, मैं जिंदा हूं ना मुर्दा। यही भेद तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर तुम जिंदा हो तो बार बार गायब कैसे हो जाते हो, और अगर तुम मर चुकी हो तो बार बार मेरे सामने कैसे आती हो। तो आओ मैं तुम्हें सब बता देती हूं। जोगन, अनीता, ट्रेन, पुरखा, इम्पॉसिबल। मैंने आपसे जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, उसके पांव में सोने की वही पायल थी। तो क्या हो गया, दूसरी कोई लड़की सोने के पायल नहीं पहन सकती? उसने मुझसे खुद कहा कि वो अनीता है। गलत, बिल्कुल गलत। हमने आपके केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके केस कंप्लीट किए। और ये देखो, अनीता ने खुदकुशी करने के पहले अपने पिताजी को खत लिखा था, पिताजी मैं जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मैं वापस कभी नहीं आऊंगी, आपकी अनीता। और ये देखिए मैं क्या लाया हूं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फोटो है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अनीता की लाश 8 अप्रैल को मिली थी और उसकी सूरत बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, जिससे जाहिर होता है कि लाश कम से कम 10 दिन तक पानी के अंदर जरूर रही होगी। ये लेटर और ये रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि अनीता ने 28 मार्च को खुदकुशी की थी। क्या कहा? 28 मार्च। अजी साहब, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, इसमें एक दिन का फर्क नहीं हो सकता। अनीता मरी है तो 28 मार्च को। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अनीता ने खुदकुशी 28 मार्च को की। करेक्ट। जबकि ये खत उसने मुझे 2 अप्रैल को लिखा, ये कैसे हो सकता है? वंडरफुल। 28 मार्च को अनीता की मौत हुई और 2 अप्रैल को यह खत उसने नीरज को लिखा। डॉक्टर सावंत, तुमने वेरीफाई कर लिया है ना? यस सर, ये है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट। वेल जेंटलमैन, अब हमारे सामने 4 पॉइंट्स हैं। ए, अनीता जिंदा है। बी, वो जानती है वो लाश किसकी थी। सी, इसीलिए वो गायब है। डी, वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग सुसाइड केस बट ए मर्डर केस। एग्जैक्टली सर, और इस खून में अनीता का पूरा पूरा हाथ है। और इस खत में अनीता ने लिखा था तो उसकी जान और इज्जत खतरे में है। मेरा ख्याल है वो नीरज से फिर मिलने की कोशिश करेगी। I also think so. इंस्पेक्टर सामन, नीरज के घर पर 24 घंटे का वाच लगा दो। ओके सर।
तुम जानते हो कि मैं जिंदा हूँ, मैं भी तुम्हें मिलना चाहती हूँ आज रात के 10 बजे लाबेला रेस्टोरेंट में। अगर कोई तुम्हारे साथ आया तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी अनीता। वेरी गुड, तुमने होटल के मैनेजर से बात कर ली थी? जी हाँ, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया। अच्छा तुम गौर से सुनो, आ
शायद अनीता ने हमें इस लिबास से पहचान लिया है, अब वो यहां नहीं आएगी। मेरा भी यही ख्याल है। क्यों नहीं आई? नहीं आ सकी, खतरा था। खतरा? तुम्हें या मुझे? दोनों को। मुझे क्या खतरा हो सकता है? मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ, तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम वापस दिल्ली चले जाओ। मेरे लिए, मेरे प्यार की खातिर मैं और कुछ नहीं बता सकती। तुम वापस चले जाओ और मुझसे कुछ ना पूछो। कुछ ना पूछो? इतना कुछ हो गया और फिर भी कुछ ना पूछो? ओ नीरज, मैं जानती हूं मेरी वजह से तुमने कितना दुख पाया है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरा कहा मानो, तुम वापस दिल्ली चले जाओ। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं, मुझे भूल जाओ। लेकिन क्यों अनीता? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे सच्चाई बता दो। तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन पुलिस सब कुछ जानती है, उन्हें पता है कि वो लाश अनीता की नहीं बल्कि किसी गुमनाम लड़की की थी। ये भी शक किया जाता है कि उस गुमनाम लड़की का खून अनीता ने किया था। तुमने किया था? नहीं नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। अगर तुमने पुलिस को मेरे बारे में कुछ कहा तो क्या हुआ? ये पिस्तौल चल जाएगी, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। नीरज, नीरज मेरा विश्वास करो, मैं बेकसूर हूं, बिल्कुल बेकसूर हूं। अनीता, तुम पुलिस से किसे छुपाना चाहती हो? क्यों छुपाना चाहती हो? तुम कब तक भेष बदलती रहोगी? ये बुर्का तुम्हें कब तक छुपा सकेगा? एसपी साहब, एसपी साहब, अनीता इस वक्त नीरज के घर पर है। रियली? जी हाँ, वो बुर्के में हम उसे इसी वक्त अरेस्ट कर सकते हैं। नो, उसे अरेस्ट करने के बजाय फॉलो करना चाहिए। तुम फॉरन ड्यूटी कार को इंस्ट्रक्शन दे दो कि अलर्ट रहे, जब भी बुरखे वाली वहां से निकले उसे फॉलो करें। मैं भी कंट्रोल को कांटेक्ट करता हूं। ओके सर। हेलो, हेलो कंट्रोल, ई डिवीजन की सभी वायरलेस कारों को इंस्ट्रक्ट कर दो कि तमाम मेन रोड्स को कवर कर लें, बाकी सब डिवीजन भी अलर्ट रहे। सबसे पहले पीटर की गाड़ी अनीता की गाड़ी को फॉलो करेगी, इसके बाद एक दूसरी गाड़ी पीटर की गाड़ी को रिलीव कर देगी ताकि अनीता को शक न हो कि उसका पीछा किया जा रहा है। इस तरह अगर अनीता को शक न हुआ कि हम उसका पीछा कर रहे हैं तो हम उसके घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। ओके सर। कंट्रोल कॉलिंग पीटर, कंट्रोल कॉलिंग पीटर। पीटर? पीटर स्पीकिंग। नीरज के घर से एक बुर्के वाली औरत निकलेगी, तुम उसका पीछा करो, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे फॉलो कर रहे हो। ओके सर।
स्पीकिंग। अब तुम उसे फॉलो करना छोड़ दो। जैक आगे से टेक ओवर करेगा। सारी बात करो। जैक कॉलिंग कंट्रोल। सफेद गाड़ी मेरे सामने से जा रही है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओवर। अल्फा कॉलिंग कंट्रोल, अल्फा कॉलिंग कंट्रोल। सफेद गाड़ी तिलक ब्रिज से आ रही है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओवर। चार्ली कॉलिंग कंट्रोल, चार्ली कॉलिंग कंट्रोल। गाड़ी हाईवे की तरफ जा रही है। तुम उसे अपनी नजर में रखो। ओके सर। गाड़ी स्पीड पकड़ रही है, उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। तुम उसे फौरन अरेस्ट करो। सॉरी सर, उस गाड़ी को नहीं पकड़ा जा सकता। कोशिश करो, तुम्हें मदद भेजी जा रही है। ओके सर। फास्ट फास्ट। जल्दी पार्ट कर, जल्दी साहब, मैंने तो पूरा एक्सलेटर दबा रखा। ट्राई पार्ट कर, ट्राई। यस सर। Thank you.
श्याम, राधे श्याम, राधे। नीरज, जिस राज के पीछे तुम अब तक भटक रहे हो, अब उस राज के खुलने का वक्त आ गया है। लेकिन इस राज के खुलने के बाद तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकेगा, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए फांसी का तख्ता होगा। अब तुम्हें अनीता की असली कहानी सुनाई जाएगी, ताकि मरने से पहले तुम्हारे दिल में कोई हसरत बाकी ना रह जाए। हर इंसान की कहानी किसी दूसरे इंसान से शुरू होती है। यह कहानी अनीता से शुरू होती है। मेरी अनीता से शादी होने वाली थी, लेकिन उसमें एक रुकावट थी, बहुत बड़ी रुकावट। तुम जानते हो कि मैं मां बनने वाली हूं और इसके जिम्मेदार हो तुम। तुम मुझे छोड़कर अनीता से शादी नहीं कर सकते। क्यों अपनी मौत बुला रही हो बेला? मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। बहुत अच्छी तरह। मुझसे तुम्हारी कोई बात छुपी नहीं। जानते हो अगर आज मैं तुम्हारा भेद खोलूं तो क्या होगा? जब अनीता को यह पता चलेगा कि तुम एक इंटरनेशनल स्मगलर हो और पुलिस तुम्हारी तलाश में है, तो तुमसे शादी तो क्या, तुम्हारे ऊपर ठोकेगी तक नहीं। मेरे सामने फांसी का तख्ता था। मैं आपको बचाने के लिए, मुझे एक आइडिया आया और मैंने पूरी प्लान बना ली। मैंने सोचा जिंदा अनीता को दुनिया की नजरों से गुम कर दिया जाए और उस लड़की की लाश को अनीता की लाश बना दिया जाए। स्कीम के मुताबिक उस लाश को अनीता के कपड़े पहनाकर झील में इस तरह फेंका गया कि वो 10-12 दिन तक पानी से उभर ना सकी। सगाई के दिन अनीता को घर से गायब कर दिया गया और सबके सामने ये जाहिर कर दिया गया कि अनीता घर से भाग गई है। कुछ दिन के बाद जब वो लाश पानी में से उभरी, तो सेठ जी ने अनीता की लाश के तौर पर उसकी पहचान की, जिससे सबको यकीन हो गया कि अनीता ने खुदकशी कर ली है। अब मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार था कि जब अनीता की खुदकशी की बात ठंडी पड़ जाए, तो मैं बाप बेटी दोनों को किसी और नाम से किसी और मुल्क में भेज दूंगा। एंड आई वुड बी अ फ्री मैन। मैंने सब हिसाब ठीक लगा लिया, लेकिन तुम दोनों की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगाया। मैंने तुम्हें अनीता की जिप्सी वाली झूठी कहानी सुनाई, तुम्हें उस पेंटर के पास भेजा जो मेरा ही आदमी था, जिसने तुम्हें अनीता के आवारा होने की दूसरी झूठी कहानी सुनाई। अनीता के एक खत और तुम्हारी छानबीन ने मेरी पूरी स्कीम को बेकार कर दिया। मैंने अपने बचाव के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। आन, पिताजी, आपने खूनी का साथ दिया? मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था। उस खून के बाद अनिल मेरे पास आया और उसने मुझे धमकाया कि अगर मैं उसका कहा नहीं मानूंगा तो वो तुम्हारा भी खून कर देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं अपने हाथों अपनी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। सेठ जी, ये ना भूलिए कि आप स्मगलिंग और दूसरे कई जुर्मों के मेरे साथी हैं। हाँ हाँ, मैं स्मगलर हूं, कई जुर्मों में तुम्हारा साथी हूं, लेकिन मैं एक जलील बाप नहीं। सेठ बिहारी लाल, अगर आप अनीता की जिंदगी चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिए, वरना मेरे सामने फांसी का तख्ता है और मेरे बचने का सिर्फ यही रास्ता है। मान जाइए सेठ जी, मान जाइए,
वरना मैं खून का डालूंगा, खून का डालूंगा, खून का डालूंगा। अनिल, अनीता का। मैं मजबूर हो गया था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें बता देता तो सब कुछ जानते हुए तुम मेरी बात कभी न मानती। इसलिए मैंने बात बनाई कि मेरी जान खतरे में है। मैंने तुमसे झूठ कहा कि अगर तुम अपने बाप की जिंदगी चाहती हो तो बगैर पूछे मेरे कहे पर चलती रहो, और तुम मेरी खातिर मान गई। लेकिन नीरज ने तुम्हें देख लिया, इसलिए तुम्हें नैनीताल भिजवा दिया गया। तुम जोगन बनी, बनावटी नीली आंखें लगाई, दुनिया की नजरों से अपने आप को छुपाती रही। तुमने कई भेष बदले, कई रूप धारे, और आज तुम लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं इस मुल्क के कानून से दूर बहुत दूर जा चुका हूँ, इस मुल्क से दूर बहुत दूर जा चुका हूँ। अनिल शर्मा, अनिल शर्मा, तुम्हें एक गुमनाम लड़की के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बंगले के चारों तरफ पुलिस है, बचने का कोई रास्ता नहीं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं 2 मिनट देता हूं। मेरे पास 3 बेकसूर आदमी हैं, अनीता, एक बिहारी लाल और नीरज। अगर किसी ने अंदर आने की कोशिश की तो मैं इन्हें कोने से उड़ा दूंगा। अनिल शर्मा, तुम पर पहले ही एक खून का इल्जाम है। अगर तुमने किसी और बेगुनाह को हाथ लगाया तो तुम फांसी के तख्ते से नहीं बच सकते। मुझे सिर्फ एक बार फांसी पर लटकाया जा सकता है। किसे धमकी है? मैं इसे भी अरेस्ट करके ले आता हूँ। नो, वो इतनी फोर्स देखकर बहुत डेस्परेट हो गया है, और डरा हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है। अनिल शर्मा, 1 मिनट बाकी है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। अमन सेठ जी। अनिल सेठ जी, मेरे पास वक्त नहीं है। डियर कैट्स, तुम्हारे एक्शन का जवाब। सेठ बिहारी लाल की लाश। अनंत, इज दैट सर? जाने दो,
जाऊं। इसे जाने दो, कोई रोकने की कोशिश ना करे।